Assalamualaikum, Wasim Ali Advocate here. देखें ये एक केस फाइल हुआ था अंडर सेक्शन 506B, यानी जिसमें आप किसी को जान से मारने की धमकी दें, असले के जोर पे आप किसी को हरास करें. बेसिकली ये धमकी थ्रेट है, आर इशूइंग थ्रेट्स वाइल शोइंग आर्म्स, हथियारों की मदद से, हथियारों की गन पॉइंट भी आप किसी को, सिंपली गन पॉइंट भी आप किसी को धमकाएं, तो वो 506B में आता है. एक FIR कटी किसी के खिलाफ, वो केस आगे चला, चालान हुआ, सब कुछ हुआ. वो जब फाइनल स्टेज पे था तो फिर इसमें जो गवाह पेश किया गया था FIR में, उस गवाह ने आके बयान ये दिया कि मुझे फला मैं वहाँ पे नहीं था जहाँ पे ये अक्यूज़ ने इनको गन दिखा के धमकी दी. हाँ, मेरे साथ एक दूसरा बंदा काम करता है, वो उसने मुझे बताया कि इन्होंने इसको गन दिखा के, अक्यूज़ ने एप्लीकेंट को गन दिखा के धमकियाँ दी. तो इस गवाही को फिर उसको केस में क्या माना जाए, यानी गवाह खुद तो ऑन द स्पॉट मौजूद ही नहीं था, तो वो 506 की जो FIR है वो एक्यूटल हो गया, वो अक्यूज बाइज़त बरी हो गया. लेकिन इसमें ये जो एविडेंस हुआ, इसको आप कहेंगे हियर से एविडेंस.